फिजिक्स में मचाते हैं। एवरीवन, तो भाई आज इस वीडियो से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो जिसमें मैं अपने पुराने स्टूडेंट से बात करने वाला हूँ, बहुत पुराने स्टूडेंट से, है ना, वो स्टूडेंट जो अपनी वर्क लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना बीटेक टॉप आईआईटीज इंडिया के, टॉप एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज इंडिया के, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से कर रखा है, तो हम उन बच्चों से बात करने वाले हैं। ये सीरीज सभी जेई और नीट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि तुम्हें उनकी जिंदगी में झांकने का मौका मिलेगा, है ना, कि किस तरह की लाइफ होती है, क्योंकि वो लोग हैं जो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको सब कुछ पता है कॉलेज लाइफ के बारे में, अभी इस समय क्या चल रहा है, कौन सी ब्रांचेस अच्छी हैं, कौन सी अच्छी नहीं, कौन सी फील्ड्स के, किस तरह की फील्ड्स हैं, और जब इंसान फाइनल ईयर में चला जाता है, जॉब लग जाती है ना, तो उसके बाद सोचने का तरीका बदल जाता है, मतलब उन 4-5 साल में आप बच्चे की तरह एंटर करते हो, बट जब आप बाहर निकलते हो यू आर कंप्लीटली एडल्ट एंड यू आर ए वेरी मैच्योर पर्सन। तो हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, और ये शुरुआत आज हम एक बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक विद अनन्य शर्मा, ही इज वन ऑफ द टॉपर्स। अनन्य सिक्योर्ड ऑल इंडिया 10 रैंक इन जेई मेन 2017 एंड ऑल इंडिया 148 रैंक इन जेई एडवांस 2017, ठीक है। तो अभी अनंत से आई थिंक मैं 4-5 साल बाद, हम फेस टू फेस तो 4-5 साल बाद देख रहे हैं, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया वगैरह पे बात हुई होगी, तो अभी मुझे रिसेंटली पता चला बहुत से बच्चों के, मतलब बाद में मैसेजेस आते हैं जब उनकी जॉब लग जाती है, कुछ हो जाती है, तो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं यार। रिसेंटली वन स्टूडेंट गॉट इन टू गूगल, हम उससे भी बात करेंगे, शी गॉट द पीपीओ इन गूगल। एक स्टूडेंट है वो अभी रिसेंटली ही इज गोइंग फॉर हिज रिसर्च, हिज मास्टर्स इन फिजिक्स एट जर्मनी। तो मतलब सभी बच्चे बहुत अच्छा चक्कर है, हम एक एक करके सभी बच्चों से बात करेंगे। अनंत रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन 2021 एंड ही गॉट हिज जॉब, लाइक ही इज वर्किंग एट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, क्वांटबॉक्स। अनंत डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी कानपुर। अनंत की ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस, मतलब आई थिंक हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ड्रीम होता है यार कि जो इंडिया के टॉप आईआईटीज है वहां से कंप्यूटर साइंस करना, और अनंत मतलब उस ड्रीम को जी चुका है एंड ही इज वर्किंग एट वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई हम अनंत से बात करने वाले हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तो मुझे कुछ बहुत सारी नई चीजें पता चली अनंत के बारे में जो मुझे पहले कभी नहीं पता था। मुझे पुराना जो पता था भाई, जो मुझे याद है कि भाई अनंत एक बहुत ही स्टूडियस लड़का है, बहुत डिसिप्लिन्ड है अनंत। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा बहुत शांत रहता था, कभी कभी मैंने सुनी है इसकी मस्ती वगैरह की स्टोरीज वगैरह, ये दोस्तों वगैरह से बाहर वगैरह जब रहता था। तो मैं बता देता हूँ, अनंत वॉज इन वी वर एट फिजी इंदौर एट दैट टाइम, है ना। तो अनंत बहुत शांत था, जनरली शांत रहता था अनंत, बहुत कम डाउट्स पूछता था। आजकल जैसे ऑनलाइन में बच्चे हर एक मिनट में डाउट पूछते रहते हैं, ऐसा नहीं, मैक्सिमम सुनता था, और पर जब बोलता था, जब डाउट पूछता था तो टीचर्स को सोचने पे मजबूर कर देता था। बहुत कम पूछता था, पर जब बोलता था तो टीचर्स को सोचना पड़ता था जवाब देने से पहले, मतलब इस लेवल का होता था। तो उस समय हम सभी को पता तो था कि अनंत कुछ तगड़ा करेगा, शायद अंडर 500 होगा, अंडर 100 होगा, पर ऑनेस्टली अंडर 10, मतलब AIR 10, वी वर नॉट श्योर, है ना। जब अनंत की रैंक ऑल इंडिया 10 आई तो मतलब वी ऑल वर शॉक्ड। अनंत तुमको कैसी फीलिंग आई थी उस समय, कैसा फील हुआ था जब ऑल इंडिया 10 रैंक लाई? वो तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था। हाँ। तो मेन बात क्या है उसमें कि आप अंडर 10 आते हो तो यू बिकम अ सेलिब्रिटी फॉर अ डे, लाइक न्यूज़पेपर से फोन आ रहा है, अच्छा कोचिंग क्लासेस से फोन आ रहा है, आपके AIR 10 आई है, आपने कैसे पढ़ाई की, ये तो एक सेलिब्रिटी मोमेंट था। वो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि रेडिसन होटल है इंदौर में, सबसे आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव वही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां भी एक न्यूज़पेपर वालों ने बुलाया था एक फोटो शूट के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो फुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, लाइक अब मैं हूं शाहरुख खान, एग्जैक्टली। तो वो एक दिन के लिए मुझे वो फीलिंग आई थी। हाँ, इनफैक्ट काफी वेबसाइट से भी आया था इंटरव्यू के लिए मेरे पास फोन की, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, यूनिक। पर मुझसे भी ज्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा था वो, जहां तक मुझे लगा उनके एक्सप्रेशंस देख के। ये तो याद नहीं, पर शायद नहीं क्राई किया होगा या फिर अनंत बता नहीं रहा, अनंत बताना नहीं चाहता, मेरी ये वाली साइड भी है कि मैं इमोशनल, ठीक है। हाँ, मैं रोता तो भी बताता क्यों, सही बात है। ये बात भी है ना। एंड देन फिर ऐसा हुआ, एक ही बार नहीं मचाया, कि ऐसा नहीं कि जेई मेन में मचाया, फिर जेई एडवांस हुआ, जेई एडवांस के लिए तगड़ी तैयारी करी, एंड जेई एडवांस में ऑल इंडिया 148 रैंक, लाइक अगेन
एक बार फिर दूसरी बार तगड़ा रैंक था। अच्छा नन, ये बताओ कि जैसे जो टॉपर्स होते हैं तो आईआईटी में एंटर करने के बाद कैसा फील होता है? लाइक डू यू स्टिल फील लाइक सेलिब्रिटी जब तुम आईआईटी के अंदर जाते हो? लाइक आपकी इतनी अच्छी रैंक है या फिर नहीं नहीं, आईआईटी में एक बार चले गए हाँ। तो आपके पास वाली रैंक वाले ही सारे लोग आपकी क्लास में है। अच्छा हाँ, एक्चुअली और जहां तक मुझे पता है कि पहले तो मैं एवरेज स्टूडेंट। अच्छा हाँ, प्रोफेसर सबसे पहले दिन तो बेइज्जत करते हैं कि तुम अपने आप को हीरो नहीं समझ रहे, कोई हमें सेलिब्रिटी नहीं है। ये तो सही बात है। हाँ लाइक यही फीलिंग आती है वहां जाके, क्योंकि सब आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग रहते हैं हाँ। और वो सब बेस्ट बेस्ट माइंड्स रहते हैं आपकी बैच के, तो सब साथ बैठ के सब सेम चीज के थ्रू जाते हैं, तो वो सेलिब्रिटी फीलिंग तो नहीं रहती बट एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है पूरी बैच में। अच्छा, अभी जैसे मुझे पता चला, अभी अनन ने, मैंने देखा अनन का एक यूट्यूब चैनल भी है और अनन हैज स्टार्टेड डूइंग पोएट्री, और अनन ने हैबिटेट पे करा हुआ है विच इज लाइक ए बिग थिंग। अनन डांस भी कर रहा है। तो अनन, अंतराग्नि वगैरह में भी तुमने पार्टिसिपेट करा था आईआईटी कानपुर में, कल्चर फेस्ट वगैरह में करते थे एक्टिविटीज वगैरह? अंतराग्नि में तो नहीं पार्टिसिपेट कर पाया था मैं, बट बाकी जो इवेंट्स थे जैसे गैलेक्सी होता है, एक इंटर हॉल कल्ट कंपटीशन होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने डांस टीम की तरफ से, अच्छा ठीक है। तो वो सब चीजें। अनन, मैंने तुम्हारे पोएट्री वाले वीडियो इन्हीं सब का टाइम तो अच्छा स्कूल में नहीं मिलता था, जो नहीं कॉलेज कॉलेज में में जाके नहीं मिला मिलता है। ना, फर्स्ट ईयर में तो, फर्स्ट ईयर तो पूरे नहीं जाता है, सेकंड ईयर भी आता है इसमें ही जाता है। सही, एकदम सही बोल रहा आप। जैसे ही मतलब हुआ, रैंक आ गई, अब आ गई, अब पढ़ाई गई भाड़ में, अब फर्स्ट ईयर में जाके क्या करा, वो बताओ कि फर्स्ट ईयर में क्या मचाया? फर्स्ट ईयर में तो काफी ही एंजॉय किया था सभी लोगों ने, मतलब हाँ सब पढ़ाई करके आए थे, 2 साल कोई 3 साल पढ़ाई करके आया था, हाँ बट सबने साथ में इतना एंजॉय किया है उसके बाद, मतलब हर दिन पार्टी का दिन था एटलीस्ट फॉर द फुल फर्स्ट ईयर। सब पढ़ाई का लोड भी कोई ले नहीं रहा था कि हमारी सीपीआई कम आएगी, और ये सबको सीनियर्स ने पहले ही बोल दिया था कि सीपीआई से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो वो सब मजे करते थे फर्स्ट ईयर में। सबने खूब एंजॉय किया, लाइक अच्छा रात में घूम रहे हैं, 1 से 4 के बीच में भी बाहर जा रहे हैं, कैंपस पूरा खुला रहता है, एकदम फुली हाँ सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल तो लेट नाइट भी घूम रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हॉस्टल्स में वहाँ कि इस टाइम तक आपको हॉस्टल में आना ही है, ना कैंपस में रिस्ट्रिक्शन है, तो पूरा कानपुर भी छान मारा, पूरा कैंपस भी देख डाला, सब फर्स्ट ईयर में ही सब कर लिया। चलो बहुत सही, बहुत सही भाई, बहुत सही। अभी भी अपने दोस्तों वगैरह के टच में हो अभी? क्योंकि रिसेंटली तुम्हारे कॉलेज का भी सब लोग करते हैं ग्रुप मीटिंग वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह, कैसा है हाँ हाँ अभी? काफी लगा रहता है सब, एक्चुअली कैंपस लाइफ को ही मिस कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब सब घर चले गए हैं, वर्क फ्रॉम होम में सब जॉब कर रहे हैं, तो वो मजा नहीं आ रहा लोगों को जो कैंपस में आता था ना, हाँ ये रात में घूमने चले गए। इंडियन, आई थिंक अभी जो एक ये एक और एक्साइटमेंट होता है कि जब हमारा कॉलेज खत्म हो जाता है तो यार हम जाके जॉब करेंगे ऑफिस में जाके ना, उसकी भी एक अलग होता है। तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस शायद उतना अच्छा नहीं होगा अभी के लिए इन स्टार्टिंग, है हाँ हाँ ना? क्योंकि वो अभी हमारा तो मन काफी होता है कि खराब है, ऑफिस में क्योंकि जाके हम कर रहे हाँ हैं काम, लोगों से मिल रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, है ना? तो वो थोड़ा सा मिस हो रहा होगा। हाँ वो सोशल लाइफ का जो एस्पेक्ट है जो जॉब के साथ जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल पूरा कोविड के कारण लॉस में जा रहा है, हालांकि अब धीरे धीरे खुलने लग गए हैं ऑफिसेस, तो बिल्कुल आई होप कि जल्दी फुल फ्लेज्ड स्टार्ट हो जाए सब। मतलब तुम्हारा नहीं है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं करना, मुझे ऑफिस जाके करना है, साथ नहीं, में काम करना है मुझे तो ऑफिस जाना है। मुझे ऑफिस पहले लोग छुट्टियों के लिए मरते थे, अब ऑफिस जाने के लिए मर रहे हैं कि भाई जाओ चीजें चालू। इंडीड, लास्ट का फाइनल ईयर कोविड में निकल गया, जो आई थिंक सबसे ज्यादा मजे वाला जो जो होता है कॉलेज में वो फाइनल ईयर होता है ये जब तो जॉब लग है, जाती है, जब जॉब लग जाती है, जॉब लगने हाँ से पहले, एकदम सही जॉब बोला लगने से पहले सबसे आपने। टेंशन वाला, और एक बार प्लेसमेंट मिल जाता है तो सबसे ज्यादा मजे वाला होता है। तो तुम्हारा जब हाँ प्लेसमेंट हुआ, जॉब लगी, तो उस समय तुम मतलब क्या थे, तुम लोग कॉलेज में थे कि ये लॉकडाउन ही चल रहा था, इंटरव्यू वगैरह भी सब कुछ तुम्हारे ऑनलाइन हुए हैं? सब ऑनलाइन ही हुआ, तब लॉकडाउन ही चल रहा था, ऑल्दो आईआईटी कानपुर ने काफी लीनियंसी दिखाते और काफी मेजर बड़ा स्टेप लिया मेरे हिसाब से, उन्होंने हाँ 2 महीने के लिए फाइनल ईयर बैच को बुला लिया था कैंपस, ओके 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 तो चलो ये तब उस बहुत अच्छी टाइम बात है। सेकेंड वेव चालू होने ही वाली थी, तो उसमें इतना हिम्मत वाला स्टेप उन्होंने उठाया, तो काफी अच्छा रहा वो। सो दैट वाज द फाइनल इट वाज बाय टू हाँ ऑल योर फ्रेंड्स, है ना? कोई नहीं, वैसे वर्क फ्रॉम होम के भी अपने फायदे हैं, अगर तुम थोड़ा सा घर वालों से परमिशन लेके निकल जाओ हिमाचल वगैरह, गोवा वगैरह जाके, लाइक अरे हाँ लाइक, और नहीं इसके भी फायदे हैं, चलो हम इस बारे में भी बात करेंगे अनंत। अभी तुम ऑफिस लाइफ मिस कर रहे हो, थोड़े दिन बाद ये लाइफ भी मिस करोगे, इसके भी अपने अलग मजे हैं। बट आई थिंक यू शुड नॉट कन्फाइन योर सेल्फ टू होम, मतलब घर पे रहो, अच्छी बात है, घर वाले तो चाहते ही है कि घर पे रहो, वो तो चाहते ही नहीं कि तुम जाओ, पर तुम्हें भी थोड़ा कम्फर्ट ये जोन से बाहर सही निकल के आई बोला थिंक आपने, ट्रैवल वाला जो एक्सपीरियंस है ना, जो वो मिस नहीं करना चाहिए। मतलब आई थिंक करो, निकलो एक बार सोलो ट्रैवलिंग में, निकलो सोलो ट्रिप मारे अभी तक। हाँ
नहीं अभी तक तो नहीं मारी, पर मैं प्लान कर रहा हूँ कहीं तो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा नानी ये बताओ कि अभी जैसे ये 4 साल निकले, तो अभी कभी होता है कि प्रिपरेशन के दिन याद आ रहे हैं यार कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, मजे आ रहे थे यार, ये याद आते हैं कि जो प्रिपरेशन करने वाले डेज हैं वो तो बहुत ही अलग सेटिंग थी कॉलेज या जॉब के कंपैरिजन में। कॉलेज में एक्चुअली क्या सीन था कि सब अपना अपना कर रहे हैं, कोई मशीन लर्निंग कर रहा है, कोई अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा है, कोई कंसल्टिंग कंपनीज पे फोकस्ड है, तो सबके डाइवर्जेंट है, सब अपने अपने स्ट्रीम्स में अलग अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो जेई के प्रिपरेशन के डेज थे वहाँ एकदम कन्वर्जेंट अप्रोच था सबके, बिल्कुल सब एक एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं, सब सेम चीजें पढ़ रहे हैं और सबको आगे आना है, मतलब दो लोग भी सेम नहीं हो सकते, रैंक अलग अलग ही आएगी। हाँ बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था बिल्कुल, एकदम बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज में, वो तो मुझे लगता नहीं अब मुझे कहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इसमें आगे हाँ इस लेवल का तो नहीं मिलेगा, नहीं है कुछ एग्जाम है हाँ पर उसके लिए जा नहीं रहे है, एक एग्जाम है हाँ जहाँ हाँ मिलेगा। मुझे मुझे नहीं मिलेगा, अच्छा हाँ वैसे मिलेगा लोगों को, बिकॉज़ यू डोंट हैव टू गो, मुझे या नहीं। एग्जैक्टली या हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा बताओ क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं अनअकैडमी में जो मुझसे पढ़ रहे हैं नीट के लिए, जेई के लिए, तो वो जानना चाहते हैं। इंडीड मैं बताऊं, मैं तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्पल देता रहता हूँ, बच्चों को पता है, बच्चे बच्चे तुम्हारा नाम जानते हैं है ना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना वो आज भी दिमाग में याद है, वो थे, उनके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। जैसे एक चैप्टर जब चालू होता है ना, मैं बताता हूँ, जब ये SHM चालू होता है तो उसमें फोर्स्ड SHM होता है, तो वो फोर्स्ड हाँ SHM का डेरिवेशन कहीं हमारे सिलेबस में है नहीं, पर आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर ओर अच्छा नॉट कि तुमने फोर्स्ड SHM का कि सर ड्राइव करो इसको डेरिवेशन करके बताओ, और उस समय मैंने हाँ वो सीख रखा था, मतलब मेरे क्योंकि मेरे अंदर भी वो था कि यार मुझे पता करना है कि आता कहाँ से फोर्स्ड SHM का डेरिवेशन कहाँ है, तो उसको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह यूज करके हमने पूरे क्लास में ड्राइव करा, मैंने सारे बच्चे देख रहे थे, एंड आई थिंक यू वर द ओनली वन जिसको समझ में आया था। तो ऐसी बहुत सारी हाँ नहीं मुझे कहानियां हैं अच्छे से जो आ रहे हैं वो क्लास, क्या क्योंकि मैंने भी ढूंढ रहा था कि एनसीईआरटी में मिल जाए कहीं से नहीं, डेरिवेशन, अरे और NCERT मिला में नहीं कहा, था, पता NCERT दिया के था तो तो। बहुत बहुत ऊपर लेवल का है वो, जब वर्मा सर ने नहीं हाँ दिया तो वही उसमें वही कहाँ ही मिलता। वो मैं ऐसे ही सीखते रहता था येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, में बार बार नाम भूल जाता है, बहुत शानदार टीचर है यार उनके फिजिक्स के लेक्चर्स ना, मतलब मजा आ जाता है, तो उन्होंने करा होगा तो वो पूरी एक एक चीज उन्होंने फील करा दी थी, और जब तुमने पूछा था ना शायद उसके 2-3 दिन पहले ही मैंने ऐसे देखा हुआ था और वही टॉपिक आ गया और मजा आ गया, मैंने कहा चलो मेरे को मौका मिल गया करने का, मेरे को पढ़ाने का मन था पर वो सिलेबस में नहीं था हमारे। तो हाँ मुझे ये बताओ थोड़ा बच्चों के लिए, बताओ कि तुम्हारा स्टडी रूटीन वगैरह क्या रहता था, तुम किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्योंकि आई थिंक आज जो सीन है ना, क्योंकि जब से कोविड हुआ है बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडीड एक ये नया जरिया बन गया है प्रिपरेशन का ना, कई बच्चे सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, कई हाँ बच्चे दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो क्या तुम पूरा रूटीन फॉलो करते थे है ना? बेसिकली मतलब मैं तो कोई रूटीन फॉलो ऐसा सच करता नहीं था, ठीक है मेरा एक ही प्रिंसिपल था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था इस चीज में, जो आजकल बहुत इजी है बच्चों के लिए करना, कि बिल्कुल क्लास में है फेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, इन सबसे रिफ्रेन करता था मैं, फिर सोशल टीवी मीडिया पे थे सीरीज नहीं, आई देख थिंक ली। उस दौरान तुम सोशल मीडिया पे थे नहीं, हाँ राइट मतलब मैं था बट मैं एक्टिव नहीं था, डी हाँ ऐसा था, अकाउंट था बट डीएक्टिवेटेड एक्टिव नहीं था, ठीक है हाँ फिर टीवी सीरीज नहीं देखना देखता था मैं, मतलब जी ये तो बहुत एक्स्ट्रा जरूरी है, हॉबीज पे दे आर कट वेरी किया एडिक्टिव। मैंने, ओके तो उस पे एकदम कट करके चलता था मैं, टाइम वेस्ट नहीं करता था। ठीक है द ओनली थिंग विच आई यूज टू डू वाज कि मैं शाम को खेलने आता था, क्योंकि माइंड फ्रेश रखने के लिए वो बेस्ट लगा था मुझे, कि अच्छा ठीक थोड़ी है, तो एक्सरसाइज भी होगी शाम को और आई थिंक थोड़ा तुम्हारी माइंड भी 6-7 बजे फ्रेश। क्लास छूटती थी उसके बाद जाते थे। 6-7 बजे क्लास छूटती थी, हाँ कभी उसके बाद चले जाते थे अगर खेल रहे हो लोग, वरना जो बीच बीच में क्लासेस नहीं है उन दिन शाम को जाते थे, ठीक है ठीक है वरना ठीक है संडे की मॉर्निंग्स होती थी, ठीक है। तो क्या तो खेलते थे, ऐसे मतलब क्रिकेट टाइम नहीं। फुटबॉल क्या खेलना पसंद था, क्या खेलते थे वो? मुझे तो फुटबॉल खेलना ही पसंद था, मैं तो अच्छा फुटबॉल ही ठीक खेलता है था, ठीक बस है समर्स के मौसम में क्रिकेट खेलना पड़ता था क्योंकि फुटबॉल में थक जाते हैं ना, गर्मी रहती है, धूप रहती है, तो भाग भाग। हाँ। अच्छा तो मजबूरी में क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलते थे पर मजबूरी में, हाँ तो अभी पर फिर मजबूरी में उसको फिर उस चीज को तुमने अभी भी मतलब कॉलेज में कंटिन्यू करा, कॉलेज में स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करा, खेलते थे, क्योंकि IIT में तो सब कुछ बहुत तगड़ा है, IIT कानपुर का कैंपस वगैरह सब कुछ बहुत प्यारा है, सारे स्पोर्ट्स हैं, कॉम्पिटिशन अच्छे तगड़े लेवल पे होता है। हाँ कॉलेज में कभी कभी खेलता था फुटबॉल में और कभी अच्छा कभी डांस करता था, मतलब दोनों को बैलेंस कर लिया, क्योंकि ठीक है जहां मैं रहता था स्कूल टाइम में तो आप डांस नहीं कर सकते थे, वरना मैं ठीक स्कूल है में भी ट्राई करता कि दोनों को बैलेंस कर लूं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लाइक जैसे मैं भी ये चीज बोलता हूँ कि यार कि अगर तुम अपना होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर पा रहे हो तो थोड़ी देर खेलना है या फिर उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, इंडीड फिजिकल एक्टिविटी करने से हम रिफ्रेश फील करते हैं ना, हमारा माइंड मतलब एक्टिव हो जाता है, फिर जब हम पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा फोकस के साथ कर पाते हैं, तो ये कुछ होता था कि यार जब मेरा होमवर्क कंप्लीट होगा तभी खेलने जाऊंगा, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा होमवर्क पीछे रह गया हो या फिर तुम मतलब जैसे कुछ भी दी DPP दी शीट दी कि शीट नहीं कर पाया सॉल्व नहीं हुआ आज का होमवर्क नहीं हुआ, तो नहीं यार मैं खेलने नहीं जाऊंगा पहले मैं अपना ये कंप्लीट करूंगा, या फिर हमेशा कंप्लीट हो ही जाता था तुम्हारा?
कभी वो भी बैकलॉग कंप्लीट हो ही देखो। जाता था, अच्छा तो बैकलॉग वो भी रहती कंप्लीट हो ही मतलब, जाता था वो अनन का पर केस अलग था क्योंकि मुझे पता है अनन का छूटता अगर कभी ही रह नहीं। जाता था तो, हाँ अगर कभी रह अगर जाता था तो मैं खेल लेता था और आके एक्स्ट्रा जाग लेता था, अच्छा ऐसा अच्छा मतलब अच्छा स्लीप से टाइम निकाल लेते थे उसके लिए, ठीक है। कितनी देर मतलब सोते खेल थे लेते थे। खेलना नहीं छोड़ते थे मतलब कि खेलना हाँ, प्रायोरिटी है मेरे ठीक कभी है। 5 घंटे सोते थे, कभी अच्छा कभी 9 भी हो जाता था, अच्छा मतलब कभी कभी डिपेंडिंग ठीक ऑन कल क्या है और मेरा है होमवर्क हुआ कि नहीं, ये दो ठीक है चीजें। ठीक है। हाँ पर तुमने कभी भी कोई चीज बड़ी बैकलॉग में नहीं छोड़ी, ऐसा कभी नहीं करा कि कुछ ज्यादा बैकलॉग नहीं छोड़ नहीं बड़ी दिया। चीज बैकलॉग वो होनी तो नहीं बहुत है। रिस्की है बैकलॉग छोड़ना। हाँ, बैकलॉग हो क्योंकि जाता अगर है आप तो बैकलॉग रखोगे तो आप कवर कैसे करोगे जो आने वाला है उसको, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो रिस्की है बैकलॉग रखना। अच्छा जहां तक मुझे पता है तुम अपने स्कूल भी कर रहे थे और फिर कोचिंग भी करते थे, तो ये कई बच्चों के लिए हाँ डिफिकल्ट हो जाता है दोनों चीजों को मेंटेन करना कि, और कई बार स्कूल वाले भी बहुत होमवर्क वगैरह अलग से अपने देने लगते हैं कि भाई ये करके आओ वो करके आओ, तो कैसे मैनेज हाँ करते रहे? क्योंकि फिर बच्चों को होता है कि सर इतनी देर स्कूल जाते हैं 5 घंटे, फिर भाई सर 4 घंटे कोचिंग में क्लास हो गई, 3 घंटे कोचिंग में क्लास हो गई हमारी, अब सर सेल्फ स्टडी का समय कहाँ है? तो किस तरह हाँ से ये करते तो थे? है, दिक्कत बच्चों की बहुत होती होगी। पर इसका बेसिकली ऐसा करता था मैं कि स्कूल जाते टाइम तो मैं लाइक रिफ्रेश होने के हिसाब से जाता था, स्कूल की पढ़ाई भी थोड़ी इजी साइड साइड पे थी कंपेयर अच्छा टू जेई के लिए जो बिल्कुल बिल्कुल कोचिंग में कर भाई। रहे थे हम लोग, है ना। स्कूल में अच्छे से रिफ्रेश होने जाता था मैं कि बोर्ड के साथ साथ भी चलता रहे, क्योंकि अच्छा मुझे किसी ने बताया था कि 12th के बोर्ड के मार्क्स यूज आते हैं आगे लाइफ में हम अरे लोग भाई के। अच्छा अच्छा आ रहे हैं कि फिलहाल ही बताओ, मेरे तो आज तक नहीं आए नहीं भाई, नहीं मेरे तो नहीं आए कहीं जिंदगी नहीं में। आए, मेरे भी नहीं आ रहे, आई मुझे बहुत थिंक दुख हुआ। हाँ, आई थिंक कैट वगैरह में शायद थोड़ा बहुत होता है, जो कैट देते हैं एमबीए के लिए जाते हैं शायद उसमें होता है। और हाँ पर कॉलेज स्ट्रीम में तो का, नहीं है, अच्छा कॉलेज का ईसीएम में जो, तो नहीं है। हाँ इधर हाँ इसमें तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल हाँ नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। और रिसर्च वगैरह में जाते हैं तो शायद कॉलेज के पॉइंट वगैरह तब मैटर करते हैं व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर फर्दर स्टडीज, मास्टर्स वगैरह के लिए, बाकी हाँ तो हाँ उसमें भी छोटा ही सही उसका वेटेज रहता है, जीआरई जीमैट वगैरह का ज्यादा रहता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा तो इसलिए फिर बोर्ड पे भी फोकस था तुम्हारा। हाँ तो ऐसा करा इसलिए कभी स्कूल जा, स्कूल में, कभी ऐसा करा कि स्कूल में कुछ चल रहा है कि अपना बैठ के होमवर्क कर रहे हैं, पीछे हमने अपना मटेरियल खोला एससी पर उठाई या कुछ सॉल्व कर रहे हैं कि यार ये तो रहा, ये तो हाँ चलते ही रहेगा, टीचर आए तो चुपचाप ये छुपा मैंने लिया बहुत किया था, मैंने ये अच्छा मैंने फिजिक्स के लिए नहीं किया था, ये मैंने पर मैथ्स के अच्छा लिए किया था, क्योंकि मैथ्स के लिए कर रहा उसमें था, लंबे लंबे क्वेश्चन थे ना, तो वो घर पे लेके जाओ तो घर पे कहाँ करोगे आप, सही स्कूल बात में अच्छा डेस्क वगैरह सब सेटअप था तो वहां है धीरे से नीचे से खोल के टीचर आया तो अंदर कर दिया। ये चीज मैंने भी अपने टाइम पे हाँ बहुत करी, मैं कहूंगा ये सीखना चाहिए, ये भी एक स्किल होती है जो लाइफ में आगे जाके काम आती है। यही टाइम है अगर स्कूल जाना पड़ रहा है, वैसे इनका तो इतना दिक्कत है भी नहीं, आजकल स्कूल भी ऑनलाइन है, बच्चे रोते ज्यादा है, स्कूल ऑनलाइन क्लास टैब ऑनलाइन है, चुपचाप चालू करो अपना करो और क्या। हाँ स्विच करो, कोचिंग में पहुंच गए बिल्कुल 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 बिल्कुल। दो मोबाइल रख लो, एक मम्मी का मोबाइल ले लिया, वाला मोबाइल ले लिया, हो गया काम, तरीके तो हजार है। तो ये इसको तो मैं प्रॉब्लम ही नहीं मानता कि ये तो भाई प्रॉब्लम होती है, आराम से आप कर सकते हो। और वैसे भी आईटी जेई नीट की जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बोर्ड की आपकी हो जाती है, बोर्ड में एंड में तुमने एंड में क्या हाँ करा था, ये जैसे इंग्लिश वगैरह जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए क्या करा था 12th के टाइम पे एंड उसके में? अच्छा लिए जो हमारा टाइम टेबल आया था वो शायद लकीली बहुत अच्छा आ गया था, कि हर एग्जाम के पहले 4 4 दिन की छुट्टी दे रखी थी उन्होंने। फिजिक्स ठीक है। हाँ केमिस्ट्री मैथ्स में तो रिक्वायरमेंट ऐसा थी नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ चार पढ़े दिन थे की 2 साल छुट्टी हो गई तो से। आई तो पूरा खत्म कर दोगे फिर तो, बचा गया इंग्लिश में 4 दिन में तो मतलब हाँ दो बार खत्म वो हो जाएगा इंग्लिश में सही अगर तुम पढ़ने बैठ जाए तो। हाँ बिल्कुल फिर बचता क्या है। बात है, तो इंग्लिश के लिए 4 दिन मिल गए थे, ऑप्शनल के लिए 4 दिन मिल गए थे, तो उनमें पूरा पूरा पढ़ लिया था। अच्छा चलिए सही। अभी कितना था तुम्हारा 10th में परसेंटेज? 12th में 97.2 देखो सिटी इसमें भी मचा रखा है 10th में भी, टॉपर था मैं 12th में। सिटी टॉपर। हाँ हाँ तो मतलब उसमें भी मचा ही दिया था तुमने, है ना। अच्छा ये बताओ कि टाइम टेबल तुम बना के पढ़ाई करते थे क्या, कि टाइम टेबल मतलब जैसे एक तो कि रोज इस टाइम से इस टाइम पढ़ाई करनी फिर खेलने जाना है, एक तो ये वाला टाइम टेबल हो गया, फिर एक होता है कि डेली का टाइम टेबल रोज पढ़ने से बैठे हैं कि यार 2 घंटे फिजिक्स पढ़ने वाला हूँ फिर 1.5 घंटे केमिस्ट्री करूंगा फिर ये करूंगा। नहीं, मैं तो पर्सनली नहीं बनाता था, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि अच्छा फिर आप मेजर नहीं कर सकते ना कि आपने अपने टारगेट्स मीट किए कि नहीं। मैं टारगेट सेट करता था लेकिन मैं टाइम से नहीं करता था, मैं क्वेश्चन से करता था कि इतने क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स कितने क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स कितने क्वेश्चन करने हैं, वो अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गए तो खत्म हो गया। लाइक 1 घंटे में भी हो सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कैसे हैं, कौन सा टॉपिक है। पर हाँ वो मैं अच्छे से करता था, लेकिन क्वेश्चन बेस्ड टाइम बेस्ड टाइम टेबल नहीं था। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ जैसे स्टार्टिंग में जब तुम प्रैक्टिस करते थे, जैसे कोई नया टॉपिक चालू हुआ जो अभी तक नहीं आता है ना, जैसे मान लो फिजिक्स में कुछ चालू हुआ रोटेशनल चालू हो गया खतरनाक सा चैप्टर है, तो स्टार्टिंग में जब करने बैठते थे तो उसमें भी बिल्कुल टाइम कॉन्स्टेंट ले लेते थे कि अरे मुझे इतनी देर में खत्म करना ही करना है क्वेश्चन, या फिर स्टार्टिंग में जब पहली बार नहीं, पढ़ते थे तो आराम से पढ़ते थे कॉन्सेप्ट डाइव करके पहली बार पढ़ते हमारा
हमेशा एकदम आराम से, मतलब बेसिकली मेरी ये फिलोसॉफी थी उस टाइम से ही कि एक बार थियोरी मेरी हो जाए परफेक्ट, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करूंगा तो अच्छा रहेगा। अगर थियोरी में मेरे कहीं गैप्स रह गए कि कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही, या ये फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें भी सही बात काफी है, वो था मेरा, क्योंकि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं मेमोरी पे इतना वो नहीं रखना चाहता था अपने, कि मेमोरी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे कि सब होता भी याद नहीं, रहेगा। मैं जेई का तो नहीं होता तो फिजिक्स मेमोरी बेस पे, होता हाँ भी नहीं है। जो सही बात क्वेश्चन है। आते हैं मुझे वो क्वेश्चन अभी याद है, 2017 2016 वो सारे एक एक क्वेश्चन तक याद है आंखों के सामने जो आए हुए हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल तो बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होती थी कि हाँ जैसे कोई फॉर्मूला है वो अगर मुझे हाँ डिराइव करना नहीं आता, तो उसके डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकता था। ये देखा था थोड़े क्वेश्चन है, तो इसलिए डेरिवेशन पे फोकस रख के, और ये एक बार थ्योरी पूरी कॉन्क्रीट कर लेता था मैं, उसके बाद क्वेश्चन पे कंस्ट्रेंट डालता था। जब तक मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, तब तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं थ्योरी को और समझ सकूँ। ठीक है ठीक है। तो थियरी के लिए तुम बस नोट्स पढ़ते थे, साथ में एससी भी पढ़ते थे, एनसीईआरटी पढ़ते थे, या फिर कुछ और भी फॉलो कर रहे थे, या फिर जो कोचिंग का मटेरियल था फिजी का वही करते थे, या फिर कुछ और भी कर रहे थे साथ नहीं, बस कोचिंग क्लास का में? मटेरियल, HCV और NCERT। बस ना NCERT पे तो काफी एम्फसाइज करता था मैं हर सब्जेक्ट में, मैथ्स को छोड़ के, एनसीईआरटी फिजिक्स की केमिस्ट्री प्रॉपर दोनों की रीडिंग मारी थी, एमफैटिक फिजिक्स काफी की प्रॉपर प्रॉपर रीडिंग मारते थे एनसीईआरटी की, प्रॉपर एकदम क्वेश्चन लाइन टू पेपर भी पूरे लाइन। सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी के, न्यूमेरिकल्स वगैरह हाँ न्यूमेरिकल भी कर रहे थे। ठीक है, और एक और अपनी जो एग्जाम्पलर है वो करी थी क्या तुमने? नहीं, एग्जाम्पलर मैंने नहीं की थी। और तुमने एरोडो भी नहीं करी थी मेरे ख्याल से, जहां तक जाने ना एरोडो नहीं करी थी। इरोडोब का बस वो किया था, मैकेनिक्स का पोर्शन किया था अच्छा बस। अच्छा मैकेनिक्स वाला पोर्शन कर लिया था, और बाकी हाँ जीएमपी वगैरह कर ली थी, रिव्यू पैकेजेस वो सब पूरे कंप्लीट थे, कि जीएमपी हाँ नहीं वो करी, सब कंप्लीट था, जीएमपी वगैरह कंप्लीट कर ली जीएमपी थी की थी। ना, हाँ जीएमपी पूरी कर, तो फिर हो गया और गया ना। वैसे भी मतलब मुझे लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा इस पे डिपेंड करता है कि आप एक क्वेश्चन को कैसे कर रहे हो। हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अगर कोई क्वेश्चन आपने देखा और आपने आपको नहीं आया तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है नहीं आया क्वेश्चन, कुछ नहीं कर सकते, सॉल्यूशन देख के पढ़ के समझ लिया, पर अब नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आए तब नहीं हो रहा है तो कुछ गलत कर रहे हो आप। बिल्कुल 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 ना। सेकेंड टाइम होना चाहिए क्वेश्चन, इस माइंडसेट को लेके चलता था, तो ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं था, पर जो क्वेश्चन करता था वो हमेशा इस हिसाब से कि वापस आए तो मैं कर लूं। अच्छा ये बताओ, जब फिजिक्स के क्वेश्चन करते थे तो जैसे फिजिक्स में कई बार होता है स्पेसिफिकली ना, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते तो हमारे दिमाग में आइडिया आता है यार, कि यार इसको इस तरीके से क्यों नहीं करें। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लें, काइनामेटिक्स की जो इक्वेशन होती है, या मैंने वी इक्वल टू यू प्लस एटी को लगाया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, या फिर कुछ और क्यों नहीं लगाया, तो क्या जब भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता था यार मैं इस तरह से क्यों नहीं कर लूंगा, तो तुम कोशिश करते थे सेम क्वेश्चन को खुद से ही दो मेथड या तीन मेथड या चार मेथड से भी करने का, अगर दिमाग में आइडिया आ रहा है कि ऐसे हो सकता है, क्या करते थे उस वक्त? हाँ बिल्कुल, अगर मेरे पास कोई अप्रोच है उससे मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं इसकी तो और शॉर्टर अप्रोच थी, तो मैं उसको अच्छे से स्टडी करता था, क्योंकि अगर कोई शॉर्टर अप्रोच थी तो वो मुझे समझ में आती क्वेश्चन बिल्कुल करते बिल्कुल टाइम, इसको बिल्कुल छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। इंडीड मतलब वही तो एज आएगी कंपटीशन में, बिल्कुल बिल्कुल इंडीड, जहां यही आएगी एक मैं छोटा सा रिकमेंड करता फायदा। हूँ जो आज स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ रहे हैं, कि सीधा क्वेश्चन पूछ के सॉल्यूशन मांगने की जगह अपने क्वेश्चन के साथ अपना सॉल्यूशन पोस्ट करो, अपना बताओ कि तुमने क्या अप्रोच लगाया और उसमें कमी पूछो, क्योंकि दिस इज हाउ हाँ यू ग्रो, दूसरे का बना बनाया सॉल्यूशन नहीं, तुम्हें अपना सॉल्यूशन, यू हैव टू लर्न टू कम अप विद योर ओन सॉल्यूशन, कि तुम अपना सॉल्यूशन क्रिएट कर पाओ। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, और आई थिंक बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर में ये कैपेबिलिटी तुम्हारे काम आती है। एकदम सही बोल रहे हो सर आप, ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि अगर आप खुद के अप्रोच में गलती निकालोगे तो ही तो आपको समझ में आएगा कि क्या इशू हो रहा है एक्चुअली थॉट मुझे प्रोसेस जितना में। भी याद है अनंत, जितने भी डाउट वगैरह पूछने आता था उसमें यही होता था कि सर ये ऐसे करा, इसमें ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होता कि सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, ऐसा तो मुझे कभी याद नहीं, ये वाला क्वेश्चन सर सॉल्व करके दे दो, सर इसमें ये नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, फिर अपन किस तरह सॉल्यूशन से कर सकते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जब डाउट पूछ रहा है तो ये अप्रोच होना चाहिए, मतलब ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जहां पे तुम कुछ भी ना कर पाओ, बहुत कम, कुछ बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नहीं, पर उसमें भी कुछ ना कुछ तो करते ही है, चाहे पहुंच ना रहे हो कुछ तो हम करके लाते ही है यार, हम अपने पहले फाइट हाँ में आते एक हैं अपन, फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं, एक फॉर्मूला तो लिख हाँ ही सकते हैं। कुछ तो करके लाते ही है ना, कि ठीक है सर पहुंचे नहीं, कुछ हुआ नहीं, पर कुछ तो लिखा है, वो हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा केमिस्ट्री में क्या करोगे? केमिस्ट्री के लिए जैसे बहुत कुछ बच्चों के लिए केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होता है, जैसे जब मैं पढ़ रहा था मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था केमिस्ट्री, तो किस तरह से तुमने केमिस्ट्री करा था, क्या बुक्स करी थी, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल इंडिविजुअली क्या करा था तुमने? हाँ मेरे लिए भी सबसे टफ केमिस्ट्री था, फिजिकल अच्छा हाँ मोस्टली तक तो ठीक था, फिजिकल तो हो गई थी, फॉर्मूला फिजिक्स जैसा हो जाता है। लगाने का। हाँ हाँ पर मतलब ये रैंक लिस्ट में भी होता था, जैसे फिजी में ही
जो टेस्ट होते थे इंटरनली, तो उसमें अच्छी रैंक आती थी मेरी हमेशा। जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हुआ 12th की स्टार्टिंग में, मेरी रैंक एकदम फॉल कर गई, नेगेटिव में मार्क्स आ रहे थे। ओ तो भाई ओ भाई मुझे समझ ही नहीं आती थी अच्छा हाँ, बिल्कुल फिर मतलब मुझे अच्छे से याद है, 1-2 महीने मैंने फिजिक्स मैथ्स एकदम पॉज ही कर दिया था, अच्छा ओनली ठीक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस करता था मैं, कि बस यही चीज बनना अपने को बनना सीखनी है गया अच्छे बनना से। गया आईटी, अगर ये नहीं हो हाँ तो गया आईटी, वरना बस गया जी अकेले नहीं हो जाएगा, तीनों में करना पड़ेगा तुम्हें। सही हाँ बात है, ये समझ गया था मैं, तो मैंने चालू कर दिया था एकदम ऑर्गेनिक पे फोकस करके। फिर धीरे धीरे क्या, कॉन्सेप्चुअल सी थी थोड़ी ऑर्गेनिक, उसमें दिक्कत बस इतनी है कि क्वेश्चन स्पेसिफिक लॉजिक लगता है उसमें, अच्छा ठीक है जैसे जो यूनिवर्सल लॉजिक फिजिक्स में जाता है ना, कि ये यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया मैंने इस पे, मैं हर क्वेश्चन में लगा सकता हूँ ये, लेकिन एट द सेम टाइम कोई बिल्कुल, केमिस्ट्री की रिएक्शन है, मैं तो फिजिक्स सारी इतनी भूल प्यारी है, चुका इसलिए हूँ फिजिक्स इतनी प्यारी है, एक बार समझ में आ गया यू कैन डू लाइक कुछ भी कर सकते हो फिर तुम, फिर तुम्हें कुछ नया नहीं घुसना। हाँ फिजिक्स के लॉज ही ऐसे रहते हैं ना, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स फॉलो दिस लॉ, केमिस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल, आपको बस अपना के ऐसे दिमाग रहते इनपुट देना है और हैं, वो हो जाएगा बस। केमिस्ट्री हाँ बिल्कुल के लिए ऐसे रहते हैं 6 एलिमेंट्स के लिए, जिसमें से 2 में एक्सेप्शन है हाँ ये परेशानी है उसमें। तो फिर बेसिकली क्या बोल रहा था मैं, हाँ ऑर्गेनिक का, हाँ तो वी इक्वल टू ऑर्गेनिक प्लस एटी हर चीज पे लगा सकते हो आप, लेकिन वही कोई रिएक्शन ले लो, जैसे देखो ऑन द टॉप ऑफ द माइंड एक ही याद आ रही है, पिनाकोल पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट केमिस्ट्री के, तो अच्छा हाँ वो ले लो तो वो इसी क्वेश्चन में लगेगी, और हाँ सेम सा कंपाउंड दूसरे क्वेश्चन में रहेगा तो वहां ये लॉजिक नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक सी की जगह एक एस आ गया है, लो इतना तो याद इस है, टाइप की देखो चीजें इतना याद जो है, समझो किस लेवल में पढ़ाई करी है, इस 4 साल बाद अभी भी याद है, जबकि केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं था कंप्यूटर साइंस का, किस लेवल में पढ़ाई करी गई है। तो वही दोनों ऐसी चीजें केमिस्ट्री में बहुत होती थी, तो अच्छा हाँ उन सबको मैं याद रखते रहता था अपने साइड से, और एक स्पेशल कॉपी ले ली थी मैंने, उसमें लिखते रहता था कि ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है। और ये ऑर्गेनिक में तो अच्छा चला था, मतलब लिखने लग गया था मैं धीरे धीरे, क्वेश्चन में लग गए थे, पर इनऑर्गेनिक में तो इस टेक्निक ने मतलब मजे ही ला दिए, कि अच्छा हर चीज लिखते जाओ एक कॉपी में, धीरे धीरे याद होती जाएंगी वो, हाँ तो इनऑर्गेनिक तो पूरा एकदम याद करने का है, उसमें ऐसे दिमाग ठीक है लगाने का कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं। बिल्कुल 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 हाँ तो इनऑर्गेनिक में मैंने एक्चुअली ज्यादा टाइम भी नहीं दिया था, लास्ट का 1 मंथ मान लो, वो भी शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, अच्छा, तो लास्ट के उससे एक पहले मंथ पढ़ा ही नहीं इनऑर्गेनिक था, पे उससे फोकस, पहले पढ़ा ही नहीं था इनऑर्गेनिक, हाँ उससे पहले पढ़ा ही नहीं था नहीं एक बार तो पढ़ा होगा ना कि एक, ऐसा थोड़ी ना होगा एक बार भी नहीं पढ़ा था एक बार पढ़ा था पर एनसीईआरटी सिर्फ बस, बोर्ड के हिसाब ना से, वो जो नोट्स बनाए थे वो उससे पहले ही बनाए होंगे ना, हाँ उससे मुझे पहले लग जब रहा है कि फर्स्ट उनकी रीडिंग ले रहा बच्चे था तभी नोट्स बच्चे सुन के हरकत ना मानने लगे, वो कहेंगे चलो नहीं पढ़ना लास्ट के 1 महीने में देखेंगे इनऑर्गेनिक। अच्छा एक चीज नहीं नहीं काफी अनन्य, रिस्की है, वो आई वोंट रेकमेंड हाँ अनन्य जो चीजें बता रहे हैं मैं ये भी बता रहा हूँ, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग चीजें एप्लीकेबल होती हैं, अनन्य का दिमाग ऑनेस्टली बहुत ज्यादा शार्प था, तो जो चीजें उसके लिए एप्लीकेबल है वो जरूरी नहीं है हर एक के लिए एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि उसका बैकलॉग नहीं बचता था, उसके क्वेश्चन हो जाते थे सोलो, उसको डाउट बहुत कम आते थे, तो वो हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो चीजें, है ना, तो हर एक, क्योंकि याद रखना हाँ। है कि किसी भी चीज का कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, बस हमको आइडिया लेना है कि किस तरह से करते हैं, व्हाटएवर वर्क्स बेस्ट फॉर अस वो हमको अपने लिए करना है, तो और इनऑर्गेनिक में अगर लास्ट मैं के। जनरली बोलूँ, हाँ हाँ अगर मैं जनरली इस चीज को जनरलाइज करूँ, तो वो ऐसी आएगी कि जब भी इनऑर्गेनिक पढ़ो तो एक सेट ऑफ नोट्स ऐसे बना के बनाते चलो जिसको आप बाद में रेफर कर सको। बिल्कुल, जब तुम सॉल्व करते हो तो मार्क करते हो, बिल्कुल चलते होगे मार्क करते चलते थे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अच्छे लग रहा है, और जब पहला वो तो सबसे डिवीजन, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को भी मिस कर देते, वो ध्यान नहीं देते कि हाँ भाई हर 10-20 में क्वेश्चन में से जो एक अच्छा लग रहा है उसको मार्क करते चलो, रिवीजन में वो काम आता बहुत है जरूरी है, क्योंकि ना। वापस सारे करोगे क्या? हाँ वो कर ही नहीं, इतना समय होता ही नहीं आपके पास, बहुत कम समय होता हाँ है रिविजन के दौरान, और रिविजन एक के बार कर रहे हो दौरान तो माफ करो, रिविजन के दौरान नए क्वेश्चन उठाने की जगह पहले ही वाले क्वेश्चन उठाने चाहिए मार्क क्वेश्चन, उसके बाद फिर नया जो भी मटेरियल रिव्यू पैकेज, जो रैंक बूस्टर व्हाटएवर जो भी करना चाहते हो वो करो, जैसा आई थिंक तुम्हारा 2017 में ये रिंग वाला क्वेश्चन तुम्हारे में आया था, मुझे जहां तक याद है, एक उंगली पे, तुम्हें याद है क्या, हाँ याद है ना, अब हाँ क्वेश्चन के बाद रह ही रिमेम्बर जाते हैं यार जो अपन देखे आते हैं ना, तो वो रिंग वाला क्वेश्चन गड़बड़ था, मतलब उसका एक तुम अगर इग्नोर मार दो तो सिंपल सा सॉल्यूशन करके उन्होंने दे रखा था, तो तुम्हें कुछ ऐसा उस समय फील होता था कि यार कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत है तो क्या है, या फिर कुछ ऐसा कुछ याद है तुम्हें। हाँ अरे मैंने काफी कोशिश की थी उसको करने की फिर नहीं नहीं उन्होंने गलत दिया था, वो क्वेश्चन गलत बना रखा था उन्होंने, उन्होंने सॉल्यूशन गलत दे रखा है, मतलब जो जो सॉल्व करके आंसर निकला था वो गलत था, लोग गलत सॉल्व कर रहे हैं उसको। हाँ वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रही थी, मैंने लिख तो दी हाँ थी हाँ तो इंडीड में तब। ये चीज कई बार बोलता हूँ एग्जाम में ये होता है कि जब तुम्हें एक्चुअली बहुत ज्यादा आता है ना, तुम्हें दिख जाता है कि क्वेश्चन गलत है, उसके सॉल्यूशन गलत होते हैं, और जो लोग कम सोच, जो जो कम सोच रहे हैं ना एक्चुअली उन्होंने सही करके आए, जो कम सोचते हैं वो उस क्वेश्चन को सही करके आए, क्योंकि उन्होंने वो उतना सोचा ही नहीं डिटेल में, उन्होंने सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया एक लाइन में। सही बात है।
फिर बाद में मैंने देखा तो बोनस भी हो गया था शायद वो, उसका एक पार्ट बोनस भी कर दिया था उन्होंने। पर ठीक है, ऐसे सिचुएशंस आती हैं, बट मैंने तो 5 मिनट ट्राई किया, फिर मुझे लगा कुछ मैं ही गलत सोच रहा हूँ, मैंने स्किप किया, फिर लास्ट में देखा था उसको, अगर टाइम नहीं बचता तो मैं छोड़ ही देता। बिल्कुल हाँ, पेपर वन पेपर टू क्या बोलते हैं, दोनों में कितना कितना समय लगा था तुम्हें करने में? पेपर वन तो हमारे टाइम काफी इजी आ गया था, तो वो जल्दी हो गया था। कितना फिर भी जल्दी, मतलब कितना, 2.5 घंटा 2 घंटा क्या करता था? हाँ 2.5 घंटे करीब लग गया होगा, मैथ्स में काफी टाइम लगा था, क्वेश्चंस में। उसमें एक्चुअली मेन दिक्कत ये होती है कि मार्क करने में आप डर जाते हो। जैसे अगर कोचिंग का टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं फियरलेसली मार्क कर देता हूँ कि ये मार्क कर दिया हो गया, पर एडवांस में जब आप बैठते हो देने तो आपको पता है कि यही ही पेपर है, इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो उसमें बहुत डर लगता है मार्क करने में। तो तुम साथ में मार्क करते हुए चलते थे, क्या करते थे कि पूरा खत्म होने का तुमने मार्क करा था? नहीं, साथ में मार्क करके चलते थे, पूरा खत्म होने के बाद तो करना ही नहीं चाहिए, उसमें ज्यादा एरर का स्कोप भी रहता है, प्लस टाइम भी ज्यादा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो साथ में चलना चाहिए। फिर पेपर टू तो शायद पूरे 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे पेपर टू में, जैसे रिंग वाला आपने एग्जांपल दिया ना, 2-3 और थे ऐसे ही, तो उनमें काफी काफी टाइम लग गया था, तो पेपर टू तो ठीक था, पेपर वन जल्दी हो गया था। पेपर तो फिर क्या करा था बचे हुए 2.5 घंटे आधे घंटे में? उस समय कुछ मार्क्ड वाले क्वेश्चन थे जिनको रिव्यू कर रहे थे फिर से, कि फिर हो ही गया, अब बैठ रहे हो ही गया, अब क्या करो, क्योंकि अब हो चुका है ना, मार्क भी कर दिया। अगर मार्क चेंज करने का ऑप्शन होता तो मैं डेफिनेटली जाता वापस रिव्यू करने की, एक बार और देख लेते। पर होता ही नहीं है ना, पेन से मार कर रहे तो तुम गए, अब बस हो गया, डिसीजन हैज बीन मेड, अब उस पे रीथिंक नहीं कर सकते। रीथिंक करोगे तो पेपर टू बिगड़ जाएगा तुम्हारा। हाँ ज्यादा उस समय तो बिल्कुल नहीं सोचना होता, बिल्कुल नहीं सोचना होता। अच्छा ये बताओ कि एंड में जैसे लास्ट में होता है ना, कि जब अपना सारा सिलेबस हो गया, सब हो गया, अब हम भर भर के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और फिर जी में तो 2.5 घंटे में छुड़ा लेते थे मॉक टेस्ट जितने भी होते थे, तो ये बताओ उस समय पेपर सिली मिस्टेक्स में तुमने क्या करा था? क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में हमने सब पढ़ लिया, सब आता है यार, अब नंबर जा रहे हैं बार बार, सिली मिस्टेक्स हमेशा कुछ ना कुछ हो जा रही है, कुछ हो जा रही है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करा था? पर वही है, सिली मिस्टेक्स अब अवॉइड तो कर नहीं सकते, आप फाइनली हो ही जाती है एक दो, तो मेरी हो गई थी एक दो एडवांस में, तो अब मैं क्या ही बोलूं सिली मिस्टेक को लेके। अच्छा हो जाते, वो याद है मुझे, अपने पेपर वाली याद है, मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो भी सबसे सिंपल वाला जो होती है ना अपनी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ, तो उसके फॉर्मूले में क्यू कहाँ मल्टीपल हो जाए, मैं भूल गया था, होता है ना डी बाई पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू एक्स, और उस समय हिट ही नहीं करा, और फिर मैंने जिधर मल्टीप्लाई करा वो गलत हुआ। तो अरे वो आप नहीं बोलते, मैं आज तक नहीं भूला वो गलती, तुम कभी नहीं भूल सकते कि भाई जो तुमने करी होती फाइनल एग्जाम में, तुम्हें याद रहता है वो गलती। मुझे भी आज तक याद है, 14 मार्क्स चले गए थे, तो अभी तक सोचता हूँ 14 मार्क्स मैथ्स में 2 गलत हो गए थे, फिजिक्स में स्टेयर पे चढ़ने वाला था वो गलत मार्क कर दिया। अच्छा मार्क गलत कर दिया, मतलब सॉल्व सही हुआ था, मार्क गलत हुआ था ना तुम्हारा ना, मार्क गलत, ये होता है, यही मैं कहता हूँ सिली मिस्टेक्स बहुत खतरनाक होती है, एंड में ये रुलाती है, जो कॉन्सेप्चुअल वाली गलती तुम मान लेते हो कि ठीक है मुझे आता नहीं था, वो तो भाई आता ही नहीं था, पर जो आता हुआ नहीं होता ना वो दर्द देता है, वो दिल में हमेशा दर्द देता है। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको कि जितनी सिली मिस्टेक्स मैंने एडवांस में की, उतनी मैंने किसी प्रैक्टिस टेस्ट में भी नहीं की है। अच्छा तो वो एक्चुअली आई थिंक वो प्रेशर बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना, अगर तुम उस दिन किसी तरह से काम रह पा रहे हो के कारण है, मना अनन की, क्योंकि जब ऑल इंडिया 10 थी तो एडवांस में भी कहीं ना कहीं उसी के आसपास रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उसके कंपैरिजन में हल्का सा गिरा था, तो वो आई थिंक वो मेन रीजन वही था, वो प्रेशर जो आ जाता है ना, अगर ये नॉर्मल पेपर होता तो उसमें ज्यादा अच्छा कर पाते, नॉर्मल पेपर मान लो मॉक टेस्ट होता तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता, वो प्रेशर, ये तो सही बात है। क्योंकि वो होता है ना लाइक इट्स लाइक डी डे, यहीं पे डिसीजन हो रहा है, और ये नहीं सोचना होता है यही, पर ये इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि तुमको पता तो है ये इट इज द डी डे, बट इफ यू कैन स्टे काम इन दोज मोमेंट्स, तो देर आर बहुत अच्छे चांसेस है कि तुम बेस्ट करके आ पाओगे अपना, जितना ज्यादा तुम उसको बड़ा इवेंट समझोगे उतने ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे अगर तुम सोच लो कि जैसे क्रिकेट खेलते समय भाई ये फाइनल थ्रो है, इस बार 6 मारना ही है, तो तुम आउट हो जाओगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर आउट हो जाओगे, जरूर से ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो गड़बड़ करता है। अच्छा ये बताओ अनन, हाँ भाई तुम्हारी हॉबीज मुझे पता चली, पोएट्री कर रहे हो तुम आजकल, डांस वगैरह में भी है, ये चीजें मुझे पहले नहीं बता दी, और क्या क्या करते हो नॉन एकेडमिक, क्या क्या करा कॉलेज में या फिर वैसे इन जनरल क्या क्या कर रहे हो? मेनली तो इन दो में ही है मेजरली इंटरेस्ट, तो पोएट्री डांस लिखता हूँ मैं कभी कभी। अच्छा ऐसे ही कुछ बुक्स वगैरह रीड करते हो नॉन एकेडमिक, क्या करते हो? अच्छा बुक्स वगैरह पहले रीड करता था मैं, अच्छा काफी सारी बुक्स पहले पढ़ता था स्कूल के दिनों में, अच्छा आजकल आदतें बिगाड़ दी है सबकी नेटफ्लिक्स ने आके। अच्छा कॉलेज में बैंड वैगन का
कॉलेज में जाकर वो फेज आया जहाँ पे लगे लगे सीरीज पे सीरीज खत्म हो रही है, लाइक नहीं वो फेज नहीं आया कॉलेज में, वो फेज लॉकडाउन में आया था अभी। अच्छा वो फेज लॉकडाउन में, लॉकडाउन में आया था अभी। अच्छा कि सीरीज पे सीरीज, सीरीज पे सीरीज, सीरीज पे सीरीज उड़ा रहे हैं, खत्म पे खत्म करे जा रहे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त सब बातें करते थे सीरीज की, ये सीरीज वो सीरीज, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था, कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा था कन्वर्सेशन में। फिर लॉकडाउन के बाद अब मैं बोलता हूँ, वो सुनते हैं। कौन कौन सी खत्म करी रिसेंटली, कौन कौन सी सीरीज देखी? मैंने नेटफ्लिक्स की मेजरली सारी देख ली मैंने। डार्क देखी थी, वो मुझे काफी अच्छी लगी थी। फिर पुराने सिटकॉम भी देख लिए मैंने, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर वगैरह भी देख लिया। दो बार चल ब्रुकलिन 99 का सीजन 8 आने वाला है। क्या, कौन सा आने वाला है? ब्रुकलिन 99 एक है, वो भी सिटकॉम है नेटफ्लिक्स का, उसका भी सीजन 8 आने वाला है, तो वो भी देख लिया। ब्रुकलिन अनलिमिटेड देख लिया, बोजैक हॉर्समैन देख लिया, पैराडाइज पीडी देख लिया। और इंडिया वाले भी मिर्जापुर, वो तो मिस नहीं कर दिया। मिर्जापुर तो मेरी फेवरेट है, मिर्जापुर तो उसके तो मैं सीन भी लगा लगा के देखता रहता हूँ बीच बीच में यूट्यूब पे डायलॉग वगैरह। मैं भी एक वो वाला वीडियो है उसमें, ऑल स्लैब्स इन मिर्जापुर, वो भी देखा है मैंने कई बार। अच्छा हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो ठीक है ना। अनन अब ये बताओ यार, जो बच्चे अभी रिसेंटली एग्जाम देने वाले हैं ना, जेई 2021 एस्पायरेंट्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो बच्चे, क्योंकि अभी 26 अगस्त को उनका स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ अटेम्प्ट है ये। अब बहुत सारे जेई एग्जाम होते हैं, आई थिंक तुम्हें पता है, नहीं पता, पहले हमारा एक होता था, क्लियर एक होता था। अब मुझे भी किसी को नहीं पता था कितने बार जेई होने वाला है, जेई मेन बार बार होते हैं, हर थोड़े दिन में जेई मेन होता ही रहता है। तो अभी बच्चों का स्टार्ट हो रहा है 26 अगस्त से, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे जेई मेन के लिए, क्योंकि जेई मेन के तो स्टार्ट बिल्कुल एकदम ऑल इंडिया 10 रैंक। अरे सर, मैं तो अभी स्टार्ट होने वाला 26 से, तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को जो अभी बैठ रहे हैं। बिल्कुल और जो मेन एडवाइस मैं देना चाहूंगा अभी वो ये है कि मेंस के लिए आप एनसीईआरटी को कम मत समझो। मतलब मेंस में जो क्वेश्चन आने वाला है वो एनसीईआरटी में गारंटीड दिया हुआ है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, ये मैथ्स के लिए तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए पक्का है कि एनसीईआरटी में दिया ही है। ठीक है, तो एक थरो रिवीजन एनसीईआरटी का बनता है एक बार, और बिल्कुल जो मुझे लगता नहीं अभी किया होगा आप लोगों ने, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी तो की नहीं, बोर्ड्स तो हुए नहीं है। तो एक तैयारी बनती है उस साइड पे। और उसके अलावा जो फाइनल रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स रखे होंगे उनको लास्ट डे के लिए ना छोड़े और चालू कर दें अभी से, क्योंकि एक दिन में पूरा रिवीजन नहीं कर सकते हो आप, 2 साल की पढ़ाई है तो वैसे तो काफी टाइम चाहिए रहता है थरो रिवीजन के लिए भी, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो सर्फेशियल पॉइंट्स आपने पहले सोच रखे होंगे कि इन पॉइंट्स पे मुझे फोकस करना है एग्जाम के पहले, तो वो चालू कर दो उसमें, और देर मत करो अब। ठीक है, ये दो है। प्लस मेंस के लिए एक और स्पेशल मेरी तरफ से एडवाइस है कि एग्जाम के दौरान काम रहना बहुत जरूरी है, जो एडवांस है तो मेंस में पॉसिबल है। तो आप एग्जाम के टाइम एकदम काम रहो और हर क्वेश्चन को टाइम दो उसका प्रॉपर, जल्दीबाजी में आंसर मार्क करके आगे नहीं बढ़ना है, टाइम दो। बट एट द सेम टाइम इसका एक रिवर्स भी है कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करना बहुत जरूरी है। ये एक प्राइम स्किल है किसी भी एग्जाम को देते टाइम, इमोशनली अटैच, ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, ईगो पे नहीं आना चाहिए क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ। स्पेशली वो होता है जो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है ना, अगर उसका नहीं बन रहा होता ना तो वो ईगो पे आ जाता है, ये तो इतना इस पे तो इतना जान लगाया था मैंने, अब ये कैसे नहीं होगा सॉल्व। पर वो कई क्वेश्चन छुड़वा देता है, कई क्वेश्चन छुड़वा देता है एक क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पैराबोला पढ़ के आया, एक्सपर्ट हूं पैराबोला में, तो ये क्वेश्चन को मैं करके ही रहूंगा। अच्छा, अभी बच्चों का फिर मेंस के बाद जो एक महीने में फिर उनका जेई एडवांस का एग्जाम है, तो उसके लिए क्या बताना चाहोगे, जो मेंस से एडवांस के बीच का जो एक महीने का गैप है उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए अलग से जेई एडवांस के लिए? उसमें मेरे ख्याल से अलग से करना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं अभी तक, ये बेस्ट क्वेश्चंस लगे हैं मुझे, तो उनपे एक बार फिर से रिट्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक सबसे मेन सजेशन मैं दूंगा कि कुछ भी नया उठाने की जरूरत नहीं मेंस और एडवांस के बीच में, क्योंकि एक महीने में नया उठाओगे तो पुराना कब देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, एक बार थियोरी से गो थ्रू हो जाए वो, फिर से जो फाइनल रिवीजन है वो कर लो पहले, फिर क्वेश्चंस सारे देख लो। ठीक, इन दोनों को मिला के एक फाइनल सेट और बनेगा कि ये चीजें वापस देख, लास्ट 2 डेज में वो देख के, या लास्ट 3 डेज के फर्स्ट 2 डेज में वो देख के एक दिन रेस्ट लेके फिर एडवांस देने जाओ। अच्छा, तो यू प्रेफर के एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं करना चाहिए? हाँ, है ना, कुछ नहीं करना चाहिए, पर वो एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, परसों एग्जाम है, कल कैसे कुछ ना करें। वो तो छोड़ो, एग्जाम के बाहर, एग्जाम हॉल के बाहर 9 बजे एग्जाम चलो ना, अभी भी कुछ तो एक बार देख ही लेता हूँ केमिस्ट्री में, ये एक बार देख, ये रिएक्शन दिमाग से ना निकल जाए, ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में तो मैंने खुद करा हुआ है, मुझे पता है यार कब कौन से कौन सी चीज दिमाग से उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। और उड़ा मैथ्स केमिस्ट्री का में तो पढ़ मैंने भी लेना। किया हुआ है, आखिरी हफ्ते तो केमिस्ट्री ही पढ़ा था मैंने, हाँ बस ये ना भूल जाऊं मैं। इनऑर्गेनिक वाले ने करेंगे मेनली, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो वही बिल्कुल। सजेस्ट करूंगा, लास्ट डे पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ो, सबके लिए यही सजेस्ट करूंगा मैं तो, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो पढ़ो या तुमको, फिजिक्स के हाँ फॉर्मूला देख लो हाँ हाँ बस। क्योंकि फिजिक्स में भी फॉर्मूला भी क्या इतने याद हो ही जाते हैं कर करके, कुछ 3-4 चैप्टर होते हैं जिनमें हाँ देखना था। बाकी केमिस्ट्री लाइक हाईली वोलेटाइल, उड़ जाएगी, कब उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा, कब कौन सी फिजिक्स चीज दिमाग से उड़ गई। हाँ में तो उनने फॉर्मूला भी कॉपी कर रखे हैं, कूलम्स लॉ न्यूटन्स लॉ ही है। हाँ हाँ सब बिल्कुल सारे सेम ही है। नहीं फिजिक्स में तो मुझे लगता ही नहीं, फिजिक्स में तो जिसने अच्छे से पढ़ लिया, लाइक फिजिक्स से रिवीजन में समय नहीं लगता, नहीं लगता, क्योंकि जो आपने कॉन्सेप्ट हाँ बना लिए तो समझ बन जाता है। गए, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये बताओ कि उन बच्चों के लिए जैसे जो बिल्कुल अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और इस बार के बच्चे कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट आए कोरोना बैच से, क्योंकि उन्होंने 10th के एग्जाम भी नहीं लिए हैं, बहुत इंटेलिजेंट आए, अभी तक की सबसे इंटेलिजेंट जनरेशन आई है जो बच्चे 10th से 11th मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि 2 साल अपनी उनके लिए जर्नी मैं में क्या सजेस्ट करना करूंगा चाहिए। कि जो मतलब एक एस्पेक्ट है इसका एडवांस की तैयारी का, वो ये है कि जो पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हो आप, जब आपका फ्रेंड एक नया सॉल्यूशन बताता है या आप उसको एक नया सॉल्यूशन बताते हो, जब आप क्वेश्चंस डिस्कस करते हो, तो वो एक चीज जो है वो कोरोना के कारण थोड़ी बैकलॉग पे जाती जा रही है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप अपने पीयर ग्रुप से जितना इंटरेक्ट करो क्वेश्चंस को लेके उतना अच्छा है, आपको नए नए तरीके मिलेंगे सोचने के। अच्छा ये बताओ यार स्ट्रेटजीज वगैरह पे तुम कितना ध्यान देते थे, क्योंकि आजकल बच्चा ना ऐसा लगता है कि दिन में क्लास 2 करता है, मतलब मान लो 2 घंटे पढ़ाई करता है, 3 घंटे पे स्ट्रेटजी और मोटिवेशनल वीडियो देखता है आजकल यूट्यूब पे जाके, रोज भर भर के मोटिवेशनल वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो देखता रहता है, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, AIR1 लाने की स्ट्रेटजी, बिना मेहनत के पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी, बिना मैथ्स बिना के फिजिक्स कैसे। मेहनत के नहीं आ सकते हाँ बिना मेहनत नहीं आते, इतना पड़ेगा और फिर। हाँ ये भी गलत है, बिना मैथ्स के फिजिक्स भी नहीं आ सकती। बिल्कुल हाँ सारी चीजें गलत है ना, और इस पे भयंकर वीडियोस बनते हैं आजकल, बहुत वीडियोस बनते हैं, बहुत ये वीडियोस जाते हैं मिलियन व्यूज पे, बच्चे को यही चाहिए कि बिना मेहनत के कम में मुझे घुसवाओ, IIT बॉम्बे जाना है मेरे को, और मेरे को मेहनत नहीं करनी, बताओ कैसे बिना जाना है, मेहनत ये चाहिए। और उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो बच्चे अभी, ऐसे बहुत बच्चा होता है शायद ये तुम शायद इससे रिलेट भी ना कर पाओ क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो, पर अभी ऐसा बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th में आ चुके हैं, अब उनको नीट या JEE देना है और उन्हें 11th में पढ़ाई नहीं करी है, तो अब उनके ऊपर हर तरफ से तलवारें लटकी हैं, मम्मी पापा पीछे पड़े हुए उनके, अब उनको 12th में बोर्ड भी देने हैं, उनको अपना सिलेबस भी पूरा खत्म करना है और साथ में 11th भी पढ़नी है, तो कुछ अपनी तरफ से रिकमेंड कर पाओगे उनके लिए। हाँ बिल्कुल, मतलब मेनली जो लॉस है इन लोगों का वो इस पॉइंट पे है कि इन्होंने 11th की पढ़ाई नहीं की है, तो ये बहुत हाँ ये बिल्कुल एक्चुअली एक साल पीछे चल रहे हैं अपने बिल्कुल बाकी बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स से। तो बिल्कुल हाँ एक साल की जो भरपाई है वो करनी तो पड़ेगी सही, वो एक ही तरीके से कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम दो आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बिल्कुल वहीं से एज आएगी है ना। तो इन लोगों से तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 12th का तो अपना पढ़ना ही है जो चल रहा है, बिल्कुल उसमें तो लैब्स कर नहीं सकते, साथ में ही बोर्ड होना भी, चाहिए, पर क्योंकि बोर्ड भी आना है फिर। बीच में 11th भी टॉपिक बाय टॉपिक करते रहो ऐसा। मतलब 12th का पूरा पढ़ लिया मैंने 10 बजे तक, और 10 से 12 मैं 11th का फिर से पढ़ रहा हूँ, फिर से मतलब फर्स्ट टाइम भी हो सकता है पर पढ़ रहा हूँ। वो सीरीज है, अब डबल घिसना पड़ेगा, अगर उस समय मजे मारे तो अब डबल घिसना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, मतलब मैजिक जैसे हाँ तो कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत ही है तुम्हारी मेहनत, और डबल घिसना ही है वो तुमको अब पहुंचा सकती है अगर तुमने कर लिया है। मोटिवेशन वीडियो देख लोगे पर उससे मोटिवेशन आ जाएगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही फिर भी। मोटिवेशन ना आजकल क्या होता है, बस मोटिवेशन वीडियो देख के उसको लगता है कि उसने कुछ कर लिया, और फिर वो थोड़ी देर पढ़ाई करता है या फिर वो भी नहीं करता, फिर दूसरा मोटिवेशन देख लेता है, और फिर अल्टीमेटली जब रात में सोता है उसको पता होता है तो कुछ नहीं करा, और फिर वो साइकिल चलती जाती है। हाँ ये हैबिट्स एक्चुअली खराब हो चुकी हैं, हैबिट्स बहुत खराब हो चुकी है, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन क्रिएट करना होता है, वो ही नहीं हो रहा है क्रिएट, वो बहुत जरूरी, थोड़ा सा मुश्किल भी है ऑनलाइन में जब से कोविड जैसा टाइम है, लोग सोशलाइज भी नहीं कर पा रहे, दिन भर इंटरनेट पर, और इंटरनेट पर डिस्ट्रेक्शन कितने होते हैं, मतलब मोबाइल फोन पे हर कुछ देर में नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, और आजकल यूट्यूब पे अलग चालू हो गया, लोग यूट्यूब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो भी चल रहा है ठीक है अच्छी चीज है, पर फिर बच्चे से बोलते हैं नोटिफिकेशन चालू करके रखो, फिर रोज अपडेट्स आते हैं उनके, लेटेस्ट अपडेट ऑन JEE, लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट, नई नई नया पता नहीं नई ट्रिक आ गई, ये टेक्निक वो टेक्निक, तो ये तो बहुत समय बर्बाद करते हैं, मतलब इस तरह से तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको कट करना होता है और घुसना होता है अपने, मतलब तपस्या जैसी है, बोलो तपस्या होती है, 2 साल तपस्या कहेंगे। हाँ और सोशल मीडिया तो एडिक्टिव होते ही जा रहा है, अभी इंस्टाग्राम ने जब से रील्स निकाला है तो बहुत एडिक्टिव है रील्स, एक जो एक के जो बाद एक देखते रील्स रहो। बिल्कुल,
अगर तुम रील या टिकटॉक या फिर ये देख रहे हो तुम खत्म हो, तुम्हारा दिमाग ही खत्म करते, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडी, वो हमेशा के लिए तुम खत्म हो, कुछ और करने लायक छोड़ेगा ही नहीं वो तुम्हें। वो इतना डोपामाइन दे रहा है हर थोड़ी देर में आपको, 30 सेकंड में नया सब कुछ, समथिंग न्यू, और पढ़ाई तो उसके सामने फिर बोरिंग लगेगी ना, क्योंकि उसमें तो आपको भाई घंटों देर तब आपका एकदम एक्सेसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अनंत से हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे जब तुम लोगों का जेईई एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस किस तरह से, क्या क्या स्कोप है रिसेंटली, एंड अनंत ने अपना कंप्यूटर साइंस बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ही डिड फ्रॉम आईआईटी कानपुर, तो हम इस बारे में जरूर बात करेंगे तुम्हारे लिए क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। एक हम पक्का आएंगे और लाइव आएंगे, आई थिंक इस बार अनंत लाइव चलेंगे और बच्चों की लाइव क्वेरीज लेंगे कि इनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या नहीं है, जेई में ना जेई एडवांस के बाद हम लोग आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए भाई सभी बच्चों को, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से भी।